हेलो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर वंदना उमराव। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से एक मेडिसिनल प्लांट लेकर आई हूँ। काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने मेडिसिनल प्लांट पर बहुत टाइम से वीडियो ही नहीं बनाया था। तो आज मैं काफ़ी यूज़फुल मेडिसिनल प्लांट लेकर आई हूँ जो आप डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। मैं स्टीविया का प्लांट लेकर आई हूँ जो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए तो बहुत रामबाण औषधि है, जिसको आप डेली लाइफ में कॉफ़ी, चाय, स्मूदी या स्वीट डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं स्टीविया प्लांट है, मैंने घर पे ही लगा रखा है और मेरा ये कई साल पुराना प्लांट है। इसमें क्योंकि ये पेरिनियल है, पेरिनियल हर्ब कहते हैं इसे, क्योंकि इसकी कटिंग ग्रो करते रहिए तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। बहुत हाइट में ये प्लांट नहीं होता, 1 से 2.5 फीट का ये प्लांट होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। अगर लेकिन आपको इसको बूसी बनाना है, घना बनाना है, ज़्यादा लीफ यूज़ करनी है तो आप इसकी कटिंग कट करते रहिए, फ्लावरिंग ना होने दीजिए, जिससे कि आपको ढेर सारी लीव्स मिलेंगी और ये काफ़ी घना हो जाएगा ये प्लांट। इसकी जो सॉफ्टवुड कटिंग होती है उसको आप कटिंग से ग्रो करते रहिए, क्योंकि पेरिनियल है तो आप मदर प्लांट से ढेरों प्लांट स्टीविया के घर पर तैयार कर सकते हैं सॉफ्टवुड कटिंग से, क्योंकि सीड से काफ़ी टाइम लगता है इसको ग्रो करने में। मैंने अभी ट्राई नहीं किया है सीड से, मैंने सीड रख रखे हैं, एक दो बार बोए हैं लेकिन मैंने केयर नहीं की है तो जर्मिनेट नहीं हुए हैं, लेकिन एक बार ज़रूर ट्राई करूँगी। लेकिन इसे सभी कहते हैं सीड से काफ़ी टाइम लगता है ग्रो करने में, कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। मैंने तो और भी मेडिसिनल प्लांट की कटिंग से तैयार किया, जैसे निरगुंडी के प्लांट को, और जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया ना उसको भी कटिंग से ग्रो किया है। तो आप स्टीविया के प्लांट को तो बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो। मैंने इसकी कटिंग लगाई है साइड में, ये देखिए मैंने कटिंग भी लगा रखी है, सॉफ्टवुड कटिंग है। आप कोई भी कटिंग लेके, यहाँ से सॉफ्टवुड कटिंग लेके ऐसे कट करके इस तरह से 1 से 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या, इंच में लेके छोटी सी कटिंग लेके, और आप इसकी नीचे की लीव्स हटा दीजिए, ये सॉफ्टवुड कटिंग कहलाती है। आप इसको साइड में ही लगा दीजिए, अलग से पॉट में ना लगाइए, तो आप साइड में ही ग्रो कर लीजिए, जिससे कि आप बहुत सारे ढेरों स्टीविया के प्लांट तैयार कर सकते हैं। और इसमें पानी ज़रूर डाल दीजिएगा कटिंग लगाने के बाद, और इसको छाया में रख देना है, थोड़ा सा छाया में रखिए क्योंकि कटिंग फिर आसानी से ग्रो हो जाती है। तो ये देखिए मैंने ढेरों कटिंग लगा रखी जिससे कि मैं बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकूं। वैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि ये जो मैं स्टीविया का प्लांट कई साल पहले, 2-3 साल पहले लाई थी, एक सीज़न में काफ़ी बड़ा हो जाता है, फिर इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, और फिर ख़त्म होने के बाद फिर से इसमें नई नई ब्रांचेज निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। अभी थोड़े दिन पहले ये पूरा प्लांट सीज़न जब स्टार्ट हुआ है विंटर का, पूरा प्लांट ख़त्म हो चुका था और फिर से नई ये स्टेम निकलनी स्टार्ट हो गई और फिर से ये प्लांट हमारा तैयार हो जाता है। तो मुझे कटिंग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन आप इस तरह से मदर प्लांट से ढेरों कटिंग से ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि ये फैमिली एस्टरेसी से है, सूरजमुखी की फैमिली से है, और इसका जो बॉटनिकल नेम है, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है स्टीविया रिबाउडियाना। तो इसकी जो लीप्स है वो चीनी से 25 से 30 गुना तक मीठी होती है, इसलिए इसे हम कॉफ़ी, चाय और स्मूदी और स्वीट डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी भी एज ग्रुप के पर्सन इसे ले सकते हैं। 100% नेचुरल होता है। और अगर आप अपने घर पे प्लांट आप लगा लेते हैं इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। मार्केट में इसकी स्टीविया की ड्राई लीव्स मिलती हैं। अगर आपने घर में प्लांट लगा रखा है तो आप इनकी पत्तियों को स्टोर करके भी रख सकते हैं बॉक्स में, और इसका लिक्विड भी तैयार कर सकते हैं, पानी में बॉयल करके इसकी लीव्स को, और इसका लिक्विड आप स्टोर करके रख सकते हैं कुछ दिन के लिए, और उसको आप अपनी स्वीट डिश या अपने किसी भी जो मीठी चीज़ें बनाते हैं उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये 0 कैलोरी होती है इसमें, तो इसलिए जो लोग अपना मोटापा कम करते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें कैलोरी ना होने की वजह से आपको मिठास तो मिलेगी और आपका फैट नहीं बढ़ेगा। तो वो लोग भी इसे इस्तेमाल करते हैं जो अपनी बॉडी स्लिम ट्रिम रखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसलिए स्टीविया बहुत यूज़फुल है। मैं तो कहूँगी कि इस प्लांट को ही आप अपने घर पे लगाइए, आपको कहीं से भी मिल जाता है, इस प्लांट को ज़रूर अपने घर पे लगाइए।
और मार्केट में जो ड्राई लिप्स पाउडर आता है तो पाउडर को ना यूज़ करके और जो लिक्विड फॉर्म आता है उसको भी मत यूज़ करिए। जो ड्राई लिप्स आती है आप उसी को हमेशा यूज़ करिए, क्योंकि वो 100% सेफ़ है और नेचुरल है। क्योंकि जो उसका लिक्विड फॉर्म आता है और पाउडर फॉर्म आता है वो बहुत बहुत ज़्यादा केमिकल के थ्रू निकाला जाता है, जिससे कि वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ब्लीच किया जाता है। तो इसलिए वो हाई टॉक्सिक है, बॉडी को बहुत नुकसान करता है, वो नेचुरल नहीं रह जाता है और उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं। तो आप इनकी लिप्स को ही मार्केट से परचेज करिए। अगर आपके पास प्लांट है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, आप इसको फ्रेश लिप्स को यूज़ कर सकते हैं। जो मैं ओरिजिन भी बता देती हूँ, इसकी जो ओरिजिन है पैराग्वे में हुई है और वहाँ के लोग इसे यूज़ किया करते थे स्वीट डिश बनाने में, हर चीज़ों में, तो वहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है। उसके बाद अमेरिका, जापान, ताइवान, इन सब देशों में भी इसकी खेती की जाने लगी और इंडिया में दो दशक पहले ही इसकी खेती स्टार्ट की गई है, जिसमें कि बेंगलोर, पुणे और भी रायपुर, इन सब जगहों पर होती है और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसकी खेती की जाती है। और इसके बेनिफिट्स तो बहुत ही हैं। तो ये एक नेचुरल स्वीटनर है, तो इसलिए आप इसे अपने किसी भी स्वीट डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% सेफ है, नेचुरल है, तो इसलिए ये डायबिटीज़ को कम करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, तो इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए तो बहुत ही यूज़फुल है। तो आगे मैं इसकी केमिकल कंपोजिशन बता देती हूँ कि इसकी लीव्स में विटामिन्स कौन कौन से पाए जाते हैं और इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या क्या है, तो वो मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। तो ये इंसुलिन का फंक्शन इम्प्रूव करता है, जिसे ब्लड शुगर लेवल कम होता है, और इसको लेने से जो पेनक्रियाज है तो इंसुलिन सीक्रेट करता है पेनक्रियाज, तो उससे हमारा जो ब्लड का शुगर लेवल है वो कंट्रोल होता है। इसलिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है स्टीविया। ये मोटापा कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें कैलोरी नहीं होती है, ज़ीरो कैलोरी होती है। और मैं इसकी केमिकल कंपोजिशन भी बता देती हूँ आपको। पत्तियों में जो इसकी लीव्स में पाया जाता है, वो लीव्स में इसमें प्रोटीन, फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम, फास्फोरस से भरपूर होने के साथ इन पत्तियों में कई तरह के मिनरल्स भी पाए जाते हैं। और स्टीविया की जो लीव्स का केमिकल कंपोजिशन है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, वो है ग्लाइकोसाइड। स्टीविया लीव्स में ग्लाइकोसाइड्स, डाइटरपीन्स, स्टीवियोसाइड्स एंड रिबाउडियोसाइड्स, ए स्वीटनिंग कंपाउंड एंड स्मॉलर अमाउंट स्टीवियल ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। स्टीविया लीव्स का यूज़ मैं ये भी बता देती हूँ आपको, स्टीविया लीव्स का यूज़ फिश का फूड बनाने में भी किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज़ होता है, तथा दवा की जितनी भी मेडिसिंस बनती हैं डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो अगर आपके घर में ये प्लांट है तो इसकी लीव्स को आप सुखाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये तो एकदम फ्रेश लीव्स होंगी और आपकी सुखाई होंगी तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और मार्केट में तो इसकी ड्राई लीव्स भी मिलती हैं और लिक्विड और ड्राई पाउडर फॉर्म में भी मिलती। आर्टिफिशियल जो स्वीटनर आते हैं मार्केट में, जो शुगर फ्री के नाम से टैबलेट्स आती है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं। एस्पार्टीन और सुक्रालोज शुगर फ्री करके आते हैं ये तो जी। और जो भी हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए च्यवनप्राश, बिस्किट्स, ये सब जो भी प्रोडक्ट आते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट शुगर फ्री करके जो आते हैं, उनमें सब में आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज़ किया जाता है, स्टीविया लिप्स का यूज़ नहीं किया जाता है। अगर उनके स्टीविया लिप्स को यूज़ नहीं ना करके वो पाउडर फॉर्म और लिक्विड फॉर्म का यूज़ करते हैं, अगर स्टीविया का यूज़ भी करते हैं तो पाउडर फॉर्म के रूप में, जो कि हाईली प्रोसेस्ड होता है, लिक्विड फॉर्म भी और पाउडर फॉर्म भी। तो मार्केट में जो भी चीज़ें इस तरह की अवेलेबल हैं उन्हें आप मत लीजिए, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईली प्रोसेस्ड होती हैं, नुकसान करती हैं। इससे आप मार्केट से जो भी परचेज करें वो स्टीविया लीव्स ही परचेज करें। आप उसको पानी में बॉयल करके, लिक्विड फॉर्म करके आप अपनी किसी भी चीज़ों में उनको यूज़ कर सकते हैं।
और मैं ये भी बता देती हूँ किस लिए ख़तरनाक है ये आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये ब्रेन के लिए ख़तरनाक है, स्टमक में भी प्रॉब्लम करता है और लैक्टोबैसिलस को कम करता है और नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर की प्रॉब्लम भी हो रही है, इस वजह से ये आर्टिफिशियल स्वीटनर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आप ड्राई लीव्स ही मार्केट से स्टीविया की परचेज़ करिए, पाउडर और लिक्विड फॉर्म बिल्कुल भी मत परचेज़ करिए। और मैं ये भी बता देती हूँ आपको कि स्टीविया की लीव्स को आपको कितना यूज़ करना है। स्टीविया की 4 से 5 लीव्स कोई भी हर्बल प्रोडक्ट है या आप घर के प्लांट की लीव्स यूज़ करते हैं, मैं हमेशा मेडिसिनल प्लांट की वीडियो बनाते समय कहती हूँ उसकी अधिक मात्रा कभी ना लें, क्योंकि अधिक मात्रा कितना भी 100% सेफ़ और नेचुरल है लेकिन आप अधिक मात्रा लेंगे तो वो नुकसान करेगा आपको। तो इसकी 4 से 5 लीफ एक कप कॉफ़ी या चाय के लिए एक पर्सन के लिए सफिशियंट होता है। और फिर आप किस तरह से आप मीठा लेते हैं, आप कम भी लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 लीव्स सफिशियंट हैं, उससे ज़्यादा आप मत लीजिए। मैं इसके बैड इफ़ेक्ट भी बता देती हूँ कि इसमें बैड इफ़ेक्ट की क्या प्रॉब्लम है। अगर आप इसकी मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो आपको स्किन डिजीज़ वाली प्रॉब्लम होगी, मस्कुलर पेन वाली प्रॉब्लम होगी, लो बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है और आपके पैरों में हाथों में झुन्नाहट, जो चीटी सी काटना, चीटी सी रेंगना, वो वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो किसी भी प्लांट की आप अगर स्टेम, जैसे कि गिलोय वगैरह की स्टेम है, बहुत थोड़ी सी मात्रा यूज़ करनी होती है, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करनी होती है। तो बाकी ये 100% सेफ है, नेचुरल है, किसी भी उम्र के लोग इसे ले सकते हैं। तो अगर ये मेरा वीडियो मेडिसिनल प्लांट का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ इस मेरी वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।